मुंबई से हमारे साथ योगेश कुमार शीतल जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। योगेश, आपने भी यात्रा की, रेल यात्रा, आप कोंकण भी गए जहां से रेलवे मिनिस्टर आते हैं, वहां पर लोगों से आपने बात की होगी, और खासतौर पर जहां आप इस वक्त खड़े हैं मुंबई, करीब करीब 75 लाख लोग रोजाना सफर करते हैं उस सबर्बन ट्रेन में, क्या उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल अजय, मुंबई एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ इतनी बड़ी आबादी जो है वो पूरी तरह लोकल पर निर्भर करती है, तो कहीं ना कहीं उससे उम्मीदें इसलिए इस बार ज़्यादा हैं क्योंकि जो सुरेश प्रभु हैं रेल मंत्री, वो खुद महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र से आते हैं। जहाँ तक कोंकण क्षेत्र की बात करें तो जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था कि रोहा से आगे जो है वो सिंगल ट्रैक है, जिसके कारण अगर ट्रेन की संख्या बढ़ाई भी जाती है तो सवाल ये रहेगा कि ट्रेन चलेंगी कहाँ पर। इस वक्त हमारे साथ कुछ यात्री हैं, हम चाहेंगे कि उनसे जाने की उनकी क्या अपेक्षा है। आप हमें बताइए कि बजट से आपकी क्या अपेक्षा है? बजट से हमारी ये अपेक्षा है कि कुछ इसमें जैसे फ्रीक्वेंसी है और ज़्यादा ये हो, और पंक्चुअलिटी जो है वो काफ़ी हो, और हमें कुछ अब जैसे स्टैंडर्ड की बात है तो वाईफाई वगैरह जो है वो हो, और जहाँ तक हम लोग स्पीड अपना जो ट्रेन की बात कर रहे हैं तो बुलेट ट्रेन तो आ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुलेट ट्रेन से ज़्यादा हमारी जो ज़रूरत है, जो क्योंकि हम लोग मुंबई कर हैं, हमारे लाखों लोग डेली बेसिस में ट्रेवल करती है, तो हमें लोकल ट्रेन की और सुविधाओं की जरूरत है। बिल्कुल, मतलब कि मेन लाइन भी चले, साथ में सबर्बन जो की है जो प्रोफेशनल्स के लिए, खासकर पेशेवर लोगों के लिए, उस पर भी नजर बनाई जाए। आप हमें बताइए कि महिला सुरक्षा को लेकर आपकी क्या अपेक्षा? ये प्रभु से यही प्रार्थना है हम लोग से, वो गैंगमैन वो काम करते उसका सुरक्षा चाहिए, वो मेगा ब्लॉक नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते, उसका कुछ होएगा तो काम चालू रहता है, गाड़ी आती है, बहुत जन उसके नीचे आए गैंगमैन के। योगेश, आप एक गंभीर बात करते हैं कि जो उम्मीदें जो होता है बेसिकली एक पूरा हम रेलवे जो मशीनरी है उसको सही करने के लिए जो टाइमिंग है उसको लेकर इन्होंने कहा कि उस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाए। आप हमें बताएं कि आपको बजट से क्या अपेक्षा है? बजट से ये अपेक्षा है कि ट्रेनें बढ़ानी चाहिए। पहला तो यही ये मुद्दा है कि ट्रेनें बढ़ानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वो जो टाइमिंग रुकने का टाइमिंग है ना वो भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि क्विक ट्रेन स्टार्ट होती है तो चढ़ने वाला चढ़ भी नहीं सकता है, और चढ़ते वक्त जो जाता है वो जो अंदर है वो चढ़ने वाले को चढ़ने भी नहीं देते, महिला धक्का मार के नीचे गिरा देते हैं, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपघात भी होते हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि कंपार्टमेंट चाहेंगे कि आप वहाँ के लोगों से ये पूछिए कि पिछले साल एक साल में उन्होंने फर्क क्या महसूस किया है, जबकि जब से ये पिछला रेल बजट पेश किया गया, पूरे साल भर में बीते साल के मुकाबले क्या उन्होंने कुछ फर्क महसूस किया, क्या जो बजट के प्रावधान किए थे सुरेश प्रभु ने, जो कि वहीं से आते हैं, क्या जमीन पर उसका असर कुछ देखने को मिला? जी, मैं इनसे जानना चाहूंगा, आप बताइए कि जो पिछली बार जो रेल बजट पेश हुआ था, फिर अभी जो अभी फिर पेश होने वाला है, क्या आपने अब तक पिछले कुछ सालों में क्या बदलाव देखा, जब से महाराष्ट्र के जो रेल मंत्री हैं उन्होंने वहां पे जब रेल मंत्री का जब पद लिया, क्या क्या बदलाव आपने देखा? नहीं, बदलाव तो अच्छा है कि महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से सुरेश प्रभु जी रेल मंत्री बने, तो हमें भी अच्छा लगता है कि अगर वो यहाँ की तकलीफ को समझ सकते हैं, यहाँ की आम जनता को क्या तकलीफ है। फिलहाल थोड़े बहुत तो चेंजेस लग रहे हैं कि पहले से जो अच्छा है, पहले 15 डब्बे की लोकल नहीं थी, अभी है तो फास्ट ट्रेन है, तो कल्याण के जो पब्लिक है उनको तो अच्छा अभी ट्रैवलिंग करने के लिए अच्छा है फिलहाल, लेकिन उनके आगे के जो पब्लिक है उल्लासनगर साइड में, बदलापुर साइड में, उनके लिए थोड़ा आगे के सोचेंगे तो और भी अच्छा रहेगा कि उनको भी 15 डब्बे का लोकल वगैरह मिले, लेकिन फिलहाल का एक साल का अगर देखेंगे तो कुछ तो ठीक है, पहले से नथिंग इज बेटर देन समथिंग, कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ है। बिल्कुल, वो कहते हैं कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, तो कुल मिलाकर जो है रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, चीजें सुधर रही है, लोग भी ऐसा माने, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो अभी सॉर्ट आउट करनी जरूरी है। बहुत शुक्रिया योगेश।